कोरोना के खिलाफ देश की जंग लगातार जारी है और कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से अब बेहतर नतीजे भी सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 480 लोगों की मृत्यु के मामले सामने आने के बाद ये पहली बार है जब 22 मार्च के बाद से देश में मृत्यु दर सबसे कम है। कुल 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर 1% से भी कम मृत्यु दर अनुपात है। आंकड़ों के हिसाब से भारत में दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 71,37,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 90.23% हो गया। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.50% रह गई है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश टेस्टिंग में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार 25 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 10,34,62,778 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 9,39,309 सैंपल टेस्ट रविवार को किए गए। वहीं अगर बाकी दुनिया पर कोरोना के प्रभाव की बात करें तो पूरे विश्व में इस वक्त संक्रमण के मामलों की संख्या 4,33,19,000 से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा अब तक कुल 11,58,000 से ज्यादा लोगों की इस वायरस के कारण मौत हो चुकी है।